हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं तुरई। तुरई मतलब ये दोस्तों, तुरई दो प्रकार का होता है, एक तो धारी वाला और ये होता है चिकनी तुरई, जिसे गिलकी या फिर हम छत्तीसगढ़ी में इसे ढोड़का के नाम से जानते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है दोस्तों, तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, बच्चे भी इसे खा जाएंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। तो देख सकते हैं, तुरई का जो छिलका है हमें कोई भी चाकू से इसी तरह से निकालना है, एकदम ज़्यादा हमको नहीं छीलना है, क्योंकि इस रेसिपी में हमें ऊपर ऊपर का जो छिलका है पतला पतला, उसे ही चाकू से ऐसे खुरच कर निकाल देना है। और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनने वाली है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बच्चे को भी खिलाइएगा दोस्तों, देखना उन लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आप इसे रोटी चावल किसी के साथ भी खिलाइए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं इसका जो चाकू से ही निकाल रही हूँ, क्योंकि चाकू से ही आपको निकालना है ऐसे खुरच के। हमको जो पिलर होता है मतलब आलू छीलने वाला, उससे हमें नहीं छीलना है, मोटा छिलका निकल जाएगा, हमको बस ऊपर का पतला पतला जो है उसे हम ऐसे निकाल देते हैं। और इसके बाद देखिए दोस्तों, सभी को मैंने ऐसे निकाल दिया है, फिर उसे एक बार मैं पानी से धो ली हूँ, क्योंकि कुछ कुछ टुकड़ा लगा रहता है। तो अब इसे हमें जितना बड़ा पीसेस चाहिए, जैसे कि ये बड़ा बड़ा है दोस्तों, तो मैं इसे 3 पीस कर रही हूँ, अगर जैसे छोटा पीस है तो 2 पीस कर लीजिए, ऐसे मतलब इतना लंबा लंबा हमको इसे पीस में इसे रखना है, एकदम छोटा ना करें, इतना ठीक है, भले आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते पर इसे छोटा ना करें, क्योंकि हमें इसमें स्टफिंग मतलब मसाला भी भरना है, इसलिए थोड़ा सा लंबा लंबा पीसेस रखें। और इसका आगे पीछे का जो हिस्सा है उसे ऐसे काट दीजिए, और बाकी को हम ऐसे 2 या 3, जैसे कि आपका जो गिलकी का साइज जितना लंबा है उसके अनुसार से आप इसे ऐसे कट लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं, इसे हम कट लगा लेते हैं पहले, तो सभी को कट लगा लिया है दोस्तों। अब इसको हम बीच से ऐसे चीरा लगाएंगे, देख सकते हैं चाकू से हम इसको बीच से ऐसे चीरा लगा लेते हैं। तो चीरा लगाने के बाद आप देखेंगे कि इतना जगह हमको नहीं मिल पा रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, चीरा लगाने के बाद अंदर में चाकू से ही 2-3 ऐसे आपको कट और लगा देना है। ऐसे देखिए, जैसे कि मैं लगा रही, तो जब ऐसे कट लगाएंगे तो आपको स्टफिंग भरने के लिए बहुत अच्छा स्पेस मिल जाएगा। तो सभी में आपको ऐसे ही करना है, पहले एक चीरा ऐसे लगा लीजिए, फिर साइड में चाकू को आराम से मतलब धीरे से आप 2-3 कट और लगा लीजिए अंदर ही अंदर, जिससे कि थोड़ा सा हमको जगह मिल जाएगा स्टफिंग भरने के लिए, है ना, बहुत अच्छा टेक्निक। तो ऐसे ही आपको कर लेना है सारे जितने भी गिलकी का जो पीसेस है उसमें। अब इसके लिए हम मसाला तैयार करेंगे, तो मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पर मैं, ये है मूँगफली का पाउडर, मतलब मूँगफली को पहले रोस्ट कर दीजिए, अगर चाहे तो आप छिलका को निकाल दीजिए और उसके बाद उसे ग्राइंड कर दीजिए। और ये है दोस्तों लहसुन मिर्ची का मतलब कूटा हुआ, मैं उसे लहसुन मिर्ची को थोड़ा सा मतलब क्रश कर दी हूँ, कूट दी हूँ, और उसी को 1 चम्मच डाल दी हूँ। ये है लाल मिर्च पाउडर, ये जो है कलर के लिए लाल मिर्च है, मतलब डेगी लाल मिर्च या फिर काश्मीरी। यह है गरम मसाला दोस्तों। अब हम डाल देंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डाल दीजिए जीरा पाउडर। तो बस सभी जो भी सूखे मसाले हैं सभी हमने यहाँ पे डाल दिया है, और लहसुन और हरी मिर्च को ज़रूर कूट कर डालिए, क्योंकि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये है दोस्तों नमक, तो मैं यहाँ पे जो हिमालयस का जो पिंक सॉल्ट आता है ना दोस्तों, वो यूज़ करती हूँ, जो मतलब सेंधा नमक, जो कि काफ़ी अच्छा होता है स्वाद में और हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और थोड़ा सा सरसों तेल डाल के हम इसे ऐसे मिक्स कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा बाइंडिंग होना चाहिए। अब इसके बाद जो हमने ये जो गिलकी तैयार किया है उसके अंदर ये स्टफिंग को अच्छे से भर देंगे। तो देखिए ना, जब हम इसमें 2-3 चीरा और लगाए तो फिर अच्छे से मतलब इसमें स्पेस मिल गया है मसाला भरने के लिए, अगर आप 1 चीरा लगाएंगे ना तो नहीं बनता है, इसीलिए अंदर ही अंदर 2-3 और चाकू से उसको थोड़ा सा कट लगाएंगे, तो ऐसे आपको भी अच्छे अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा और हम स्टफिंग को अंदर आसानी से भर सकते हैं। तो सभी में हम ऐसे ही भर लेंगे, और फल्ली से इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद देखिए, सभी को मैंने भर लिया है, तो चलिए हम आगे का प्रोसेस करते हैं। और इसी बीच जो मसाला जो बच गया है उसे भी हमको सब्जी में यूज़ करना है, उसे भी हम यूज़ करेंगे जो भी बच गया है। तो और इसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में थोड़ा सा हम सरसों का तेल डाल दिया है, इसमें हम डाल देते हैं जीरा। और उसके बाद यहाँ पे मैं 1 प्याज है दोस्तों, उसे मैं बारीक काट ली हूँ, और थोड़ा 1 हरी मिर्च है, क्योंकि हमने हरी मिर्च उसमें कूट के डाले थे, ज़्यादा तीखा हो जाएगा इसलिए 1, या फिर अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो 2-3 हरी मिर्च आप काट कर ले सकते हैं। लहसुन को मैंने कूट लिया है, तो मैं यहाँ लहसुन भी डाल दी हूँ, और टमाटर को भी हमने कट करके रखा है। जब प्याज लहसुन अच्छे से भून जाए, देखिए अच्छे से भुनने के बाद इसका जो मतलब कलर है कैसे हो गया है, और प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम यहाँ पर 2 कटे हुए टमाटर, ये मीडियम साइज़ के टमाटर है, अगर बड़ा है तो 1 टमाटर आप ले सकते हैं।
और इसके बाद हम टमाटर को थोड़ी देर पकाएंगे और जल्दी से सॉफ्ट हो इसके लिए हम यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। नमक डालते समय ध्यान रखिए दोस्तों, नमक आपको कम डालना है क्योंकि हमने पहले ही मसाले में डाल चुके हैं। और यहाँ पे सूखे मसाले जैसे कि हल्दी, मिर्ची, नमक और बस इतना ही डालना है आपको। और उसके बाद ये देखिए मसाला जब अच्छे से भून जाए, टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, तब यहाँ पे जो तोरई हमने जो मसाला भर के रखा है, सॉरी गिलकी, उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो इसके हम इसे ऊपर डाल देते हैं पूरा, ऐसे बड़ा कुछ जो कढ़ाई फ्रॉम पैन हो दोस्तों जिसे पूरे आ जाए वैसे वाला यूज़ कीजिए। पहले मेरा कढ़ाई छोटा था तो मैं दूसरे कढ़ाई में कर रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पर जो मसाला जो बचा था उसे हम ऊपर डाल देते हैं और इसे ढक देते हैं हम इसे मीडियम फ्लेम पे। इसे करीब हम 2-3 मिनट ऐसे ही पकने देंगे और 2-3 मिनट बाद हम जब चेक करेंगे तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए रहता है क्योंकि ये पक जा रहा था। अब हम इसे मतलब धीरे धीरे एक एक को ऐसे पलटा देते हैं, धीरे धीरे पलटाइए नहीं तो मसाला कभी कभी निकल जाता है, इसलिए हमको धीरे धीरे सभी जितना भी गिलकी है इसे हम पलटा देंगे। और पलटाने के बाद इसे हम फिर ढक के पकाएंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे या फिर लो फ्लेम पे पकाइए, हाई नहीं करना है वरना जल जाएगा और पकेगा नहीं। अब उसके बाद आप जब देखेंगे तो ये देखिए ये भी अपना पानी छोड़ दिया है, टमाटर भी पानी छोड़ दिया है और हल्का सा इसमें मतलब देखिए देखते हैं हमने पानी वगैरह कुछ नहीं डाला है पर इसमें आ गया है और ये अपने ही पानी में पक जाता है। इसे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। और कुछ देर बाद देखिए अच्छे से पक गया है सभी जो गिलकी हैं। तो अगर आपको जैसे कि ग्रेवी वाली चाहिए दोस्तों तो इतना ग्रेवी काफ़ी है, लेकिन आपको और चाहिए तो थोड़ा सा पानी 1 कप वैसा आप डाल सकते हैं, पर मुझे ये ऐसे ही अच्छा लगता है क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से इसका जो टेस्ट है उतना अच्छा नहीं आता है दोस्तों। आप ऐसे ही ट्राई करके देखिएगा। अब बस ये बन गया है, अब गैस को बंद कर दीजिए क्योंकि देख सकते हैं कितने अच्छे से पक चुका है। अब इसे हम सर्व कर देंगे दोस्तों। तो सर्व करने के लिए देख सकते हैं एक प्लेट में इसे डाल दीजिए, थोड़ा सा हम ग्रेवी डाल देते हैं। तो लीजिए बहुत ही स्वादिष्ट बनकर सब्जी तैयार है। इसे आप रोटी चावल किसी के साथ भी खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते, तब तक के लिए बाय।